Hello everyone, this is Dr. Vaishali Rathi from RSC Pilibhit. This is our next demo video on a topic which I am going to explain you in the form of question. In question form, it would be easy to learn a topic for your internal as well as external academic exam. So, this is the topic which we are going to explain in different question form. संशोधन में वर्णित चार प्रकार की शुद्धि, दिस इज द टॉपिक, इस पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। संशोधन में वर्णित सभी शुद्धियों का वर्णन करते हुए वमन की वैगिकी शुद्धि का वर्णन करें, या विरेचन की मानकी शुद्धि का वर्णन करते हुए संशोधन की सभी प्रकार की शुद्धियों का उल्लेख करें। सो इस क्वेश्चन को कैसे लर्न कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम। संशोधन की चार प्रकार की शुद्धियां, वैगिकी शुद्धि, मानकी शुद्धि, लैंगिकी शुद्धि, आंतकी शुद्धि, सभी शुद्धियों को डिफाइन करना होता है। फर्स्ट वैगिकी शुद्धि, जिसमें सभी वेगों का वर्णन होता है। मानकी शुद्धि, जिसमें वमन या विरेचन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मान मेजर वर्णित रहेगा। लैंगिकी शुद्धि के अंतर्गत सभी के लक्षण का वर्णन रहेगा। अंत की शुद्धि के अंतर्गत अंत के जो प्रोडक्ट होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अंत की शुद्धि के अंतर्गत वर्णित होंगे। एग्जाम्पल वमन, वमन की प्रवर, मध्यम एवं अवर वैगिकी शुद्धि में 8 वेग, 6 वेग एवं 4 वेग हैं। मानकी शुद्धि में 2 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ एवं 1 प्रस्थ मानक है। लैंगिकी शुद्धि में सामान्य वमन के लक्षण वर्णित है, अतः अंत की शुद्धि में सबके पितांत का वर्णन है। इस तरह से क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद इनकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना होता है। इसी तरह से जैसे वमन को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे ही विरेचन एंड अदर संशोधन की क्रियाओं की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिप्रेजेंट करना है। सो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर है तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज। And if you want more videos or demo videos on any topic, please drop a message. In tabular form, it is easy to learn and then mention in the exam and highlighting in the exam. So guys, stay safe and thank you.